बेस्ट जीकैम पोर्ट फॉर पोको F5। तो यहां पर हमने जीकैम LNC 8.4 के साथ जो है XML फाइल को यहां पर इंपोर्ट किया है एंड काफी बढ़िया DSLR जैसा फोटो क्लिक कर सकते हो पोको F5 डिवाइस के साथ। वीडियो सैंपल भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना, लाइक एंड शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकॉन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं यूजर इंटरफेस के बारे में, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से UI देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो मेन कैमरा है उसे यहाँ पर DSLR करके देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर DSLR मोड के साथ आप जो है मेन कैमरे के साथ इंडोर आउटडोर सभी प्लेस में जो है फोटो क्लिक कर सकते हो। डे टाइम हो जाए, डे लाइट हो जाए, नाइट लाइट हो जाए, दोनों टाइम में आप जो है यहाँ पर DSLR मोड के साथ जो है फोटो क्लिक कर सकते हो। सभी सिचुएशन के लिए काफी बढ़िया तरीके से काम कर जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर मैक्रो मोड के साथ भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट फोटो क्लिक करने के लिए इस ऑप्शन को ऐड किया गया है, प्लस अल्ट्रावाइड लेंस भी काम कर जाएगा। सबसे बढ़िया बात है यहाँ पर अल्ट्रावाइड लेंस के साथ जो है HDR एनहांस मोड काम करते हैं, तो आपको बेटर डिटेल्स देखने को मिलेगा, बढ़िया क्वालिटी देखने को मिलेगा। प्लस हाई रेजोल्यूशन फोटो क्लिक करने के लिए यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, बेटर फोटो क्वालिटी देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर जो JWB का जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन के साथ आपको जो यहाँ पर सैचुरेट फोटो देखने को मिलेगा एंड ऑटो वाइड बैलेंस के साथ आपको जो यहाँ पर एक्यूरेट कलर देखने को मिलेगा। तो आपके हिसाब से आप जो इसे एनेबल डिसेबल कर सकते हो एंड यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा है इस आइकन को जो है लॉन्ग प्रेस करके आप जो है HDR मोड के ऊपर जो फ्रेम को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने जीकैम LNC 8.4 के साथ जो है XML फाइल एंड लिप फाइल दोनों को जो यहाँ पर इंपोर्ट किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते किस तरह से गूगल कैमरे के साथ पोको F5 डिवाइस के ऊपर XML एंड लिप फाइल को इंपोर्ट करना होगा और इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद जो है फोटो सैंपल को शेयर करने वाले। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीकैम LNC 8.4 XML फाइल एंड जो लिप फाइल है, तीनों फाइल का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके तीनों फाइल को डाउनलोड करना होगा पोको F5 डिवाइस के लिए। नेक्स्ट सबसे पहले गूगल कैमरा को इंस्टॉल करना होगा, पहली दफा जब आप ओपन करोगे कुछ परमिशन को अलाउ करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर जो है मोर सेटिंग्स में जाना होगा। मोर सेटिंग्स में जाने के बाद ए वाला जो ऑप्शन है इस ऑप्शन में टैप करना होगा। इस ऑप्शन में टैप करने के बाद यहाँ पर सेव सेटिंग्स का जो ऑप्शन है इसमें टैप करना होगा। देन यहाँ पर येस का जो ऑप्शन है इसमें टैप करना होगा। देन आपको सिंपली यहाँ पर फाइल मैनेजर को ओपन करना होगा। फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद आपने जिस भी फोल्डर में XML फाइल को डाउनलोड किया है, लिप फाइल को डाउनलोड किया है, उस फोल्डर में जाना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है XML फाइल को सिलेक्ट करना होगा, थ्री डॉट में टैप करना होगा। यहाँ पर कॉपी और मूव का ऑप्शन है, तो सिंपली यहाँ पर जो है XML फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ पर कॉपी करना होगा। तो सिंपली यहाँ पर जो है कॉपी और मूव कर सकते हो, हम यहाँ पर कॉपी करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने XML फाइल को सिलेक्ट करके कॉपी किया है, उसके बाद जो है इंटरनल स्टोरेज का जो ऑप्शन है इसमें टैप करना होगा। देन यहाँ पर LNC 8.4 करके एक फोल्डर क्रिएट होगा, इस फोल्डर में जाके सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना होगा। देन यहाँ पर जो लिप फाइल है इसे सिलेक्ट करके थ्री डॉट में टैप करके यहाँ पर कॉपी मूव कर सकते हो, यहाँ पर हम कॉपी करने वाले हैं। तो लिप फाइल को सिलेक्ट करके कॉपी करके इंटरनल स्टोरेज में जाके LNC 8.4 करके जो फोल्डर क्रिएट होगा इसमें जाके लिप करके जो फोल्डर क्रिएट होगा इस फोल्डर में जाके सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना होगा। तो यहाँ पर XML फाइल को LNC 8.4 में जाके पेस्ट करना होगा एंड लिप फाइल को लिप करके जो फोल्डर है इसमें जाके पेस्ट करना होगा LNC 8.4 में जाके। अगर लिप करके फोल्डर क्रिएट नहीं होता तो आपको अलग से यहाँ पर फोल्डर को क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर XML एंड लिप फाइल को कॉपी करने के बाद आपको सिंपली जीकैम को रीस्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पर गूगल कैमरा को रीस्टार्ट करने के बाद स्वाइप डाउन करके 4:3 सिलेक्ट करना होगा। 4:3 सिलेक्ट करके यहाँ पर डबल टैप करना होगा। डबल टैप करने के बाद कुछ इस तरह से UI देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सिंपली एरो में टैप करके ये जो XML फाइल है इसे सिलेक्ट करके इम्पोर्ट में टैप करना होगा। इम्पोर्ट में टैप करते आपके डिवाइस के ऊपर ये जो XML फाइल है एंड जो लिप फाइल है यहाँ पर जो है इंस्टॉल हो जाएगा। नाउ अभी फिलहाल बात कर लेते यहाँ पर जो फोटो सैंपल के बारे में, तो हम जो है आपके सामने यहाँ पर लाइव फोटो क्लिक करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो JWB एंड ऑटो वाइड बैलेंस है दोनों ऑप्शन को हमने बंद कर दिया है एंड अभी फिलहाल जो है पर DSLR मोड को हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, यहाँ पर 16:9 को सिलेक्ट करते हैं।
यहाँ पर हम मल्टीपल फोटो को क्लिक करने वाले हैं। देखते किस तरह से पर जो है क्वालिटी देखने को मिलेगा इस जीकेएम के साथ, एक्सएमएल फाइल के साथ। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो है काफी फास्ट यहाँ पर शटर बटन देखने को मिलेगा। HDR एनहांस मोड को ऐड किया गया है एंड यहाँ पर 1x 2x का जो फीचर से काम कर जाएगा। तो हमने यहाँ पर DSLR मोड को जो है सिलेक्ट किया है एंड बाकी और JWB एंड ऑटो वाइड बैलेंस का जो ऑप्शन है अभी तक हमने यहाँ पर जो है एनेबल नहीं किया है। तो यहाँ पर 2x के साथ जो कुछ फोटो को क्लिक करके देखते किस तरह से क्वालिटी देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर शटर स्पीड बढ़िया है, HDR प्रोसेसिंग इंडिकेटर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। प्लस इस ऑप्शन के साथ आप जो है पर ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को भी क्लिक कर सकते हो। एंड यहाँ पर मैक्रो लेंस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, देखते किस तरह से पर जो है मैक्रो लेंस काम करेगा। तो हमने यहाँ पर मैक्रो लेंस के साथ भी कुछ फोटो को यहाँ पर क्लिक कर रहे एंड सबसे बढ़िया बात है यहाँ पर मैक्रो लेंस के साथ भी जो है HDR एनहांस मोड का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। इवन अल्ट्रावाइड लेंस के साथ भी HDR एनहांस मोड का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। तो हमने यहाँ पर अल्ट्रावाइड लेंस के साथ भी कुछ फोटो को क्लिक किया है। तो अभी फिलहाल हमने यहाँ पर 64 मेगापिक्सल को सिलेक्ट किया है, इसके साथ कुछ फोटो को क्लिक करके देखते हैं। तो यहाँ पर 64 मेगापिक्सल के साथ आपको बेटर डिटेल्स देखने को मिलेगा, हाई रेजोल्यूशन में जो है फोटो क्लिक होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो मल्टीपल फोटो को हमने क्लिक किया है। नाउ यहाँ पर जो JWB का जो ऑप्शन है हमने एनेबल किया है, JWB के साथ भी कुछ फोटो को क्लिक करके देखते हैं। इसमें आपको जो है काफी हद तक वाइब्रेंट कलर देखने को मिलेगा एंड सैचुरेट फोटो को आप क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने DSLR मोड के साथ जो है फोटो को यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर पोको F5 डिवाइस के साथ जो है फोकस के रिलेटेड कोई भी इशू का हमने यहाँ पर नोटिस नहीं किया है। काफी फास्ट यहाँ पर जो है फोकस देखने को मिलेगा, कोई भी इशू यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, कोई भी इशू को हमने यहाँ पर नोटिस नहीं किया है। ये जो जीकेएम का जो बिल्ड है काफी स्टेबल है एंड इसे आप डेफिनेटली एज ए डेली ड्राइवर के तरह यूज कर सकते हो इस गूगल कैमरे के साथ जो है XML फाइल को। एंड यहाँ पर हम मल्टीपल फोटो को यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, सभी फोटो के साथ जो है पर बढ़िया क्वालिटी देखने को मिलेगा। नाउ फिलहाल बात कर लेते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में। तो यहाँ पर फुल HD 60fps का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर एक्सटर्नल माइक का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वीडियो रिकॉर्डिंग भी काम कर जाएगा, वीडियो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन है, OIS का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा, कोई भी इशू को हमने यहाँ पर नोटिस नहीं किया है वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ भी। आई फिलहाल बात कर लेते हैं पर जो है फोटो सैंपल के बारे में, देखते किस तरह से पर जो है फोटो क्वालिटी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वीडियो रिकॉर्डिंग काम कर जाएगा काफी बढ़िया तरीके से, जो है पर स्टेबलाइजेशन का जो ऑप्शन है देखने को मिलेगा। फुल HD 60fps के साथ जो वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, वीडियो के ऊपर जो लाइट बैलेंस है काफी बढ़िया देखने को मिलेगा। JWB का जो ऑप्शन है उसे एनेबल करने के बाद जो है काफी हद तक जो है सोशल मीडिया रेडी फोटो क्लिक कर पाओगे, वाइब्रेंट फोटो क्लिक कर सकते हो। फोटो के ऊपर डिटेल्स काफी बढ़िया है, डबल टैप करके जूम करने के बाद भी जो है काफी बढ़िया क्वालिटी देखने को मिलता है एंड काफी हद तक जो है क्लोज टू यहाँ पर नेचुरल कलर के साथ भी फोटो क्लिक कर पाओगे ऑटो वाइड बैलेंस मोड के साथ। एंड ओवरऑल फोटो के ऊपर क्वालिटी बढ़िया है, प्लस यहाँ पर वाइब्रेंट कलर देखने को मिलेगा, कलर शेडो हाईलाइट के साथ इम्प्रूवमेंट है, डिटेल्स को भी यहाँ पर इम्प्रूव किया गया है, प्लस फोटो के ऊपर जो नॉइस है उसे भी रिड्यूस किया गया है, काफी कम नॉइस देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर सैचुरेशन कॉन्ट्रास्ट के साथ भी बैलेंस देखने को मिल जाएगा। मैक्रो लेंस के साथ भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट है, डायनेमिक रेंज को भी यहाँ पर इम्प्रूव किया गया है, परफॉर्मेंस भी काफी सही है, बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा, बहुत ही फास्ट आप फोटो क्लिक कर पाओगे, एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन के ऊपर स्विच कर सकते हो। कोई भी ग्रीन टिंट का जो इश्यू हमने नोटिस नहीं किया है, मैक्रो लेंस का जो क्वालिटी है बढ़िया है, ब्राइट इमेज देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर एस्ट्रो मोड काम कर जाएगा, नाइट साइड मोड काम कर जाएगा, ओवरऑल जो है आपको एक्सलेंट फोटो क्वालिटी देखने को मिलेगा। इवन ब्लैक एंड व्हाइट मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, पोर्ट्रेट मोड के साथ भी क्वालिटी बढ़िया है, सेल्फी के साथ भी आपको बढ़िया क्वालिटी देखने को मिलता है, पोर्ट्रेट मोड के साथ भी आपको काफी हद तक क्लोज टू एक्यूरेट कलर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर EIS एंड OIS का जो ऑप्शन है वीडियो स्टेबलाइजेशन के साथ जो है पर काम कर जाएगा, प्लस यहाँ पर 2x का जो ऑप्शन है काम करता है, बेटर डिटेल्स देखने को मिल जाएगा 2x के साथ भी। तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर मल्टीपल
फोटो क्लिक किया, आपको फोटो सैंपल कैसा लगा जरूर से कमेंट कर बताना। एंड रिसेंटली हमने लेटेस्ट गूगल कैमरा का जो है रिव्यू वीडियो भी अपलोड किया है, सिंपली जीकेएम का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।